बहुत से लोग होते हैं दुआ करना चाहते हैं लेकिन जो है आती नहीं है, तो अब वो किसी के पास जाकर के कहते हैं कि हजरत दुआ कर दीजिए मेरे लिए। हमारे एक साथी हैं वो हजरत मौलाना सैयद खलील हुसैन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं, थे मरहूम हो गए वो अभी करीब जमाने के अंदर, आखिर में मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए थे। वो कहे हमारे साथी कहने लगे कि हजरत के पास मैं बैठा हुआ था, एक आदमी ने आकर के हजरत से कहा हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए। ठीक, वो जोहर में आया, फिर असर में फिर आकर के कहता है, फिर मगरिब में आकर के कहता है। तो हजरत ने कहा भाई मैं ही करूंगा, तू भी कुछ करेगा या नहीं, तो दूसरों से ही दुआ करवाते रहेंगे या खुद भी कुछ मांगना है या नहीं। अल्लाह ताला ने जो है इदा साला की इबादी अन्नी फैन्नी करीब उजी उदावत इदा दानी, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कुरान के अंदर। तो हमें दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, दुआओं का अपने आप को आदि, और दुआओं में भी खाली खुदगर्जी नहीं, यानी खाली अपनी हजतें मांग ली ये नहीं, बल्कि गोया दुआ में एक तो अपनी हजतें मांगनी है, फिर अपनी हाजतें हर आदमी जानता है, जैसे हमारी अपनी जाती हाजतें हैं ऐसे हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे चचा, हमारे खालू, हमारे मामू, हमारी खालाएं और दूसरे अज्जा और अकारी, उनकी भी इसी तरह की हाजतें हैं जो हमारे